हमीरपुर में दो पक्षों में हुए मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर स्वास्थ्य विभाग की आशा बहू और उनके पति और बच्चों के साथ गांव के ही दबंगों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित ने यहाँ बिबार थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर से ये दो पक्षों के बीच हुए मारपीट का वीडियो सामने आया, जिस पर यहाँ आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि आशा बहू और उनके पति पर और बच्चों के साथ गांव के दबंगों ने मारपीट की। अधिक जानकारी से सद्दाम जुड़ गए। सद्दाम, क्या है पूरा मामला? दीपक जी, आपको बता दूं कि ये जो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये थाना बीमार के फायर गांव का बताया जा रहा है, जहां बीते 8 मार्च को होली के दिन पुराने रंजिश के चलते या शराब के नशे में दो पक्षों में आपस में मारपीट की घटना हुई थी, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीपक जी, जानकारी के मुताबिक फायर गांव की आशा बहू, इसका नाम आरती है, उसके पति नरेंद्र ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र ने बताया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले कृपा शंकर, शत्रुघ्न, विवेक, अजय, इन सभी चारों लोगों ने उसके परिजनों के साथ मारपीट की। उसने इस घटना की जानकारी क्षेत्रीय दरोगा को बीते 9 मार्च को दी थी, लिखित तौर पर दी थी, मगर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूर होकर 10 तारीख को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के यहाँ कार्रवाई के लिए न्याय की गुहार लगाई। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना को निर्देशित किया था कि कार्रवाई की जाए, मगर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज फिर उसने पुलिस अधीक्षक के यहाँ न्याय की गुहार लगाई। ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अब चूंकि पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था, दोबारा निर्देश दिया, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उनको मेडिकल के लिए भेज दिया है। मगर जिस प्रकार से पुलिस ने पीड़ित की बात नहीं सुनी, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर सामने आई है, या कही जाएगी कि पुलिस की लापरवाही है। जिस तरीके से दो बार पुलिस के सामने पीड़ित गया और जब नहीं सुनी तो उसने पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाई। सद्दाम, इस पूरे झगड़े या विवाद की वजह क्या रहा? जी, इस पूरे झगड़े या विवाद की वजह क्या रही? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है और जानकारी के मुताबिक ये झगड़ा पुरानी रंजिश है और ये आपस में जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ में हुआ है। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सद्दाम। तो ये हमारे सहयोगी थे सद्दाम, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि अब पुलिस ने जरूर मामला दर्ज कर लिया है, मेडिकल के लिए भेजा है जो पीड़ित है उन्हें, क्योंकि इन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की थी कि पुलिस उनकी कार्रवाई नहीं कर रही पूरे मामले में, ना ही गुहार को सुन रही है। अब ऐसे में पुलिस अधीक्षक के द्वारा आदेश पर मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है।